वो अलग आ गया, बेच दिया था, अभी नहीं बेचना। कहाँ लेके जा रही हूँ सर को, भी नहीं पता सर को मैं देने वाली एक सरप्राइज। जल्दी से सर रेडी हो जाओ, इसे मैं दिमाग खाया पूछ के कहाँ जाना है कहाँ जाना है। मैंने कहा चलो तो सही पता चलेगा, फिर कल एक और सरप्राइज आ रहा है आपके लिए। इस दफा मैंने बोला कि सर को सरप्राइजेस देती हूँ, बहन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मिलेगी मिलेगी आपको है? ऐसी बहन मिलेगी कहीं? ऐसी नहीं, ये हम तो तरसते हैं हमारे ऐसे बहन भाई। आप तो शुक्र करो, आप कैसे बहन ये नहीं शुक्र करते, इतना बुलाती फोन करके तो नहीं आते। रोज टू ले लो है, बोला को इस्लामाबाद रहते हो आप, ये पिछली गली में तो रहते हो। पानी दो जान, मैं तो पानी पी पी के पेट भर लेती हूँ अपना सारा दिन, यकीन करो। चलो फिर जल्दी करो, चलो हो गयो रेडी सर? जूती गड्डी चलो मेरे से नहीं निकलेगी, चल बस लेके जाना है सरप्राइज। चले अभी नीचे उतर चुके हैं, हमेशा तो ये गुम हो रहे हैं। ये लोग ना बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चक्कर आ रहा है। ऊपर से इतनी गर्मी है, यहाँ से ऊपर से नीचे देख रहे चक्कर आ रहे हैं। मेरे को तो वैसे ही ऊंचाई से इतना वो होता है, ये भी ऊंचाई पर, लेकिन ये शहर। अब वो लोग थर्ड फ्लोर पर हैं, वो बोल रहे हैं नीचे आओ, अब यहाँ पर देखते हैं कहीं पर मिल जाए। इतना पागल बनाया मैंने यार, बैलेंस नहीं है, लोगों से फोन मांग के फोन कर रहे हैं, वो सामने देख रहे हैं। भाई आप यहाँ पे फोन देखते जा रहे हो, आपको सही सील लगाया है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना बैलेंस है, लोगों से फोन मांग मांग के मैं फोन कर करके बैस को बोला कौन सा फ्लोर बोले थे, सही था यार। वो जीएम बोल रहे ऊपर है, मैं बोल रहा हूं ये जीएम है। देख लो सर कौन सा फोन लेना है, तो सर को आज मैं लेके दे रही हूँ मोबाइल, कौन सा लेना देख लो। नहीं नहीं देख लो, ये देख लो ओप्पो का। नहीं नहीं कौन सा देख लो, आईफोन भी है। अच्छा ये ओप्पो के भी हैं, पहले ये वाला था ना तेरे पास, ये था वीवो का भी था। मैं सर को बोली फोन देख लो, पहले कौन सा लेकर दिया था इसको, वो वाला लेके दिया था, कौन सा लिया था पहले, कोई था मेरे, ये तो आईफोन नहीं है, नहीं जो इससे पहले लेके दिया था मैंने, ओप्पो का था, ये वो था सैमसंग का था, वो लगा गया, बेच दिया था, भैया नहीं बेचना है। देखो आप कोई वो देख लेना जो उन्होंने ले लिया, बाकी वो दिखा रहे हैं कामरान भाई भी एक फोन के हाथ में सोनी का, वो देख रहे हैं मोटोरोला में, देखा वो सामने कुछ अच्छा मिल जाए मोटोरोला का नया फीचर। हां ने ये वाला पसंद किया फोन, ये एच में लेकिन है ये मोटो में, अच्छा इसको यही पसंद आया। कितने का? 52। कोई और देख लो सर हल्का, सर ने इतने मस्ती फोन पे हाथ रखा है ना है। अरे बीच में सेल्फी लेने के चेक कर रहे हैं, रिजल्ट भी काफी इसे लेके दे रहे हो? हां ले ले, ठीक है सर खुश हो हैं।
सर खुश हो? थैंक यू तो बोल दो, थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं बेबी देख हैं। थैंक यू। और ये वाला लिया फोन दिखाओ। ये तो ये फोन है वो भाई वो जेली वाला, इस पे लगाना है प्रोटेक्टर। हम लोग आए थे यहाँ पर, मैंने खाया, मुझे बोर थी, मैंने खानी है आइसक्रीम। पैसे ले लो अंकल से, ठीक है? अभी नाराज तो नहीं हो? उसी में से नाराज हो गई थी ना ये, मेरे को बोलती मुझे साथ लेके जाओ। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने ली है ब्राउनी चॉकलेट, टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगती है। सही है, हमारी बनी आइसक्रीम रेडी हो गई है। अभी सही से पकड़ना, इसको गिरा नहीं देना। चलो ठीक है, हैप्पी। तो अभी भाभी लोग भी मिल गए थे रास्ते में, तो भाभी ने तो बुद्धा पड़ा था, हम सबको भी लेके दिया, मुझे भी सर को भी। भाभी तो बेहद ठीक नहीं, मैंने कहा चलो मैं सब बच्चे हैं घर के, अभी सो गए सब। गर्मी बहुत ज़्यादा ना, ना शियाज की तरह कैमरा किया, मैंने बोला हाय कर, हाय किया उसने, बोल निकाला जल्दी आओ। इनका यहाँ पे कबाब बहुत टेस्टी होता है, ठीक है? ये अंकल जो ना गरम गरम ऑयल में हाथ डाल के कबाब बनाते हैं, कबाब लेते हैं, ठीक है? घूम फिर के, और अभी जो ना सर ने फोन लगाया है चार्जिंग पे। हाँ सर, कैसा लग रहा है? हैं ये कोई एक्साइटेड ही नहीं, खुशी नहीं है भाई। हाँ तो यहाँ पे खाना वगैरह मैंने, मुझे चीजें मिली ऐसी का साथ कबाब का, यकीन करो मैं तो खुश हो जाऊँ। मैं खुद मैं फूले ना समाऊ, मैं चूमू उसको पकड़ बोलने, फूले ना समाऊ, मैं फूल ना समाऊ। चल आ जाओ रोटी तो मंडे से जो है ना मैंने डाइट अपनी स्टार्ट कर ली, लेकिन मेरी डाइटिशियन जो थोड़ी सी बीमार थी, तो उसने मुझे बोला कि ना अभी मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बोला ठीक है अभी मंडे से प्रॉपर तरीके से मैं करूँगी अपनी डाइट स्टार्ट, और ऑनलाइन ही मैं क्लासेस लूँगी उनसे वीडियो कॉल पर। वैसे मुझे सारी एक्सरसाइज आती है, लेकिन मैंने बोला कि जो है ना मैं दोबारा से जो ना वीडियो कॉल पे जो है ना स्टार्ट लूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि वो मुझे बताएगी, जिससे जल्दी जो है ना फिर बॉडी में फ़र्क आएगा। गर्मियों में बहुत अच्छी जल्दी जो है ना आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो, क्योंकि गर्मी भी होती है और आपको पसीना भी आता है, पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, हड्डियों में बुखार भी चले आता है। हाँ लेकिन मेरा पता क्या है, मैं अगर 15 से 20 मिनट भी करूँ ना मेरे लिए इनफ होता है। शुरू में बहुत करती थी मैं 30 मिनट 40 मिनट ऐसे, और मेरे को वॉक से जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक्सरसाइज से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो अभी जो मेरा करंट वेट मैंने कल चेक किया था, मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मुझे पता है बताने से फ़ायदा, मैं बोलूँगा मैं मारना है नहीं, मशीन पर भी खड़े होकर दिखा दूँगी तो मानोगे नहीं आप लोग, तो मैं कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, वो कहते मशीन ख़राब है। मैंने करंट वेट जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया था, आके मैंने थोड़े दिन एक्सरसाइज वगैरह की थी, तो अब जो है ना मेरा वेट मैंने चेक किया था 56.90 आ रहा था, मतलब वही 57 के करीब है। तो अभी जो है ना मैं अपना सोचा कि मुझे 7 kg अपना कम करना है, मुझे 50 से 49 अपना वेट करना है। मैं जब स्कूल टाइम में थी मेरा 49 वेट था, और रोमी मुझे पता क्या कहता है, तो 15 kg कम कर। क्यों 5 kg 15 kg कम कर, पूरा 40। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको नहीं लगता मेरी बीवी स्लिम है, स्मार्ट रहे? मसला जो मुझे होते हैं ना बाद में उठा के हॉस्पिटल ले जाते, लोग कमेंट करके बोलते हैं मोटी, लोगों को छोड़ो और पता नहीं क्या क्या जो मसले होते हैं लोग संभालते हैं। लेकिन मैंने जब से अपना वेट कम किया ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये है कि आपकी बॉडी भी मेंटेन रहती है, बीमारियों से भी दूर रहते हो, लोगों की बातों से भी दूर रहते हो। वो लोग जो हेट करते हैं, मेरी सास तो जब भी मुझे देखते ही कहती थी कमजोर हो गई है, कमजोर की करण दी की करण दी, वैसे मुझे बोलती है मम्मा। वो लोग जो बातें करते हैं, जो हेड करते हैं, उनसे हमें फर्क नहीं होना चाहिए। जो प्यार करते हैं वो किसी भी हाल में आपको एक्सेप्ट करते हैं, बस इतने लोग हैं आपको बोलते नहीं, आप
पहले भी अच्छे लगते थे, अभी भी अच्छे लगते हो, तो ये नेचुरल चीज़ है। और सर भी मेरे साथ आके क्लासेस ऑनलाइन साथ करेगी, और उसको ही मैंने बोला कि वेट कम करो, और अभी इसका वेट काफ़ी कम हुआ है, तकरीबन 4 से 5 kg इसने वेट कम कर लिया अपना। लेकिन अभी मज़ीद मैंने इसको बोला है कि तुम 10 से 15 kg और कम करोगी, उसके बाद मैंने फिर इसको बोला कि डॉक्टर के पास जाना, अभी नहीं, पहले अपना बॉडी मेंटेन करो सर। और मुँह भी इसका कम पतला लग रहा है, पहले से मुँह पतला लग रहा है आपका। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको अच्छा लगा, तो अपनी दुआओं में याद रखना, चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब शेयर। कुछ बोलना है आपने? थैंक यू सो मच। किस लिए? फोन के लिए और साथ आने के लिए। नहीं नहीं खाना खिलाने के लिए नहीं, ये तो आई नहीं थी, मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ।